बहुत ही मान सम्मान योग हर दिल अजीज रहमतां दे पातर गुरु रूप साध संगत मुअज्ज़ज़ मेहमान गुरु घर दे कीर्तनीए गुरु घर के वजीर तमाम प्रबंधक साहिबान आप जी अज तीसरे दीवान विच आखिरी दीवान विच शिरकत कर रहे हो। हुणे छोटे बाल आप जी नूं गुरु शब्द द्वारा निहाल कर रहे सन। तमाम सिख संगत नूं गुजारिश है पंडाल दी रौनक बनो आके जो लंगर विच भी संगतां ने लंगर तां इंज ही चलदा रहना है। जो बाहर संगतां घूम रही ने वह भी अंदर आने की कृपालता करन तां कि तुहाडी हाजरी लग सके। गुरु नानक पातशाह जी की याद में समर्पित यह समागम है बहुत वड्डा इंटरनेशनल। गुरु नानक पिता जी का जो मिशन से पैगाम है मुहब्बत से तमाम इंसानियत ले उन्हों का मैसेज यूनिवर्सल है। कुल आलम कुल खलकत कुल कायनात दे जीव सबना नूं पातशाह प्यार करते सन यही उपदेश उन्होंने दिता है। आप जी सच दे मुतलाशी सन इंसानियत दे मसीह। गुरु नानक पातशाह जिहा इस दुनिया ते कोई अवतार पैगंबर नहीं होया जिन्हां ने अपने जीवन दे सफर दौरान 40,000 माइल सफर पैदल गा के कीता अलग अलग दिशावां 22 साल वो भ्रमण करते रहे। उन्होंने बचपन के यार हमराज रबाबी कीर्तनीए रागी सिंह दोस्त मित्र भाई उन्होंने तो वड्डे भाई साहब भाई मरदाना जी ने उन्होंने आखिरी तक उन्होंने साथ निभाया आखिरी सवास भी उन्होंने गोद में ही छड़े। उन्होंने गुरु नानक पातशाह ने अपनी जिंदगी के दौरान दुनिया नूं प्यार मुहब्बत सच नाल कीर लिया इंज करके सिक्खी फैली। किसी नूं इह कहण दी लोड़ नहीं पई कोई जबरी धर्म तब्दील नहीं कीता उसनूं मजबूर नहीं कीता। आप जी का किरदार ही अजिहा सी कि दुनिया के लोग जुड़ते गए तो अज एडा वड्डा काफिला बन गया। दरअसल मैं आप जी को गुजारिश करांगा सच तो सच हुंदा है गुरु के कीर्तन में बैठे ने भाई साहब भाई गुरशरण सिंह जी मेरे बहुत पुराने साथी बचपन च इकट्ठे रहे दरबार साहब ब्लू स्टार वेले भी। जो साड़ी दरबार साहब की कीर्तन की परंपरा है गुरु ग्रंथ साहब जी की है गुरु साहिबाना की है वह बड़ी अमीर शैली है गुरमत शैली। मेरा ख्याल है कि सानू थोड़े बहुते पैसों के कारण उस शैली नूं त्यागना नहीं चाहिए असी इंज करते भी नहीं। गुरु साहब की बख्शिश लैनी है तो उस शैली नूं अख्तियार करना पएगा रखनी पएगी। यही ध्यान च रखना कि सौखा जिहा काम हो जाए तो संगतां 4 पैसे दे देण यह कोई बहुत ही वधिया गल नहीं। सो आओ परंपरावादी कीर्तन शुरू करते हैं कुछ नवा करिए नहीं कि वो ही जो पहला चलता है चलता रहे ऐसा नहीं क्योंकि अथाह सागर है गुरबाणी। भाई नंद लाल जी की बाणी पंथ प्रवानित है उस विचों पहला तुसी राग का एक शब्द श्रवण करोगे। पर्शियन विच है फारसी विच है काबल की संगत जो सियाने ने जिहड़े काबिल जे रहे ने जां वडेरे ने वो इस नूं समझदे ने। पहला शब्द राग दा उपरंत अज सारे शब्द तकरीबन गुरु नानक पातशाह जी दे नाल संबंधित ही गायन किए जाएंगे।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਸਾਰ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਸਭ ਤੇ ਵਡਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਾਲ ਰਾਖੀ ਜਿਨ ਕਾਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਦਿਨ ਸਰਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਮਦ ਨਾਰਾਇਣ ਸਰੂਪ ਨਾਨਕ ਆਮਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਮਦ ਨਾਰਾਇਣ ਸਰੂਪ ਨਾਰਾਇਣ ਸਰੂਪ ਨਾ
ਅਰਸ਼ ਆਫਰੀਦਾ ਜੇ ਨੂਰੇ ਕਰਮ ਅਰਸ਼ ਆਫਰੀਦਾ ਜੇ ਨੂਰੇ ਕਰਮ ਅਜ਼ੋ ਆਲਮੇ ਰਾਫਿਊਜ਼ੇ ਆਤਮ ਅਜ਼ੋ ਆਲਮੇ ਰਾਫਿਊਜ਼ੇ ਆਤਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪ ਰੂਪ ਰੂਪ
आप जी ने भाई नंद भाई साहब भाई नंद लाल जी की रचना श्रवण की सी। हो सकता कुछ सकता सोच दिया हो जिस गल की समझ ही नहीं आती क्यों पढ़ रहे हैं, पर यह साड़ी प्रमाणित बाणी है। कुछ ना कुछ तो कोशिश करनी चाहिए है, फिर कौन पढ़ेगा होर तो बाहरों आन के कोई पढ़ नहीं सकता। पहले असी इस तरीके बहुत सारी बाणी विसार चुके हैं। शेरे पंजाब महाराणा रणजीत सिंह का 50 साल सिख राज रहा है। उस वक्त समुची सिख कौम परशियन च गल करती सी, परशियन बोलते सन, लेकिन हुण बिल्कुल साढ़े तो अलोप हो गई क्योंकि असं उसनू सांभिया ही नहीं, पढ़िया ही नहीं, ना कोई साढ़े जे लोग पढ़न की कोशिश करते ने, पर कभी कभी कोशिश करी दी। बेशक साढ़े तलफज इन्ने वध्या नहीं होंगे पर कोशिश है। सो आओ अगला शब्द भाई साहब भाई गुरदास जी की बाणी विचों है। जिन्ना गुरु नानक पातशाह जी बारे जानकारी भाई साहब भाई गुरदास जी ने दी है किसी ने नहीं दी, क्योंकि सब तो जो ज़्यादा इतिहास है उन्होंने पास ही है। गुरु अर्जन देव जी पातशाह वेले गुरु ग्रंथ साहब जी बीड़ के लिखारी सन, उन्होंने तो बाद घट समय में पैदा होए ने। गुरु नानक पातशाह जी ने अरबां की यात्रा बहुत की है। भाई साहब जी की जो रचना है उस वार में एक समय आप जी दे पेश कर रहे हैं, जदों आप जी इराक बगदाद दीआं जूआं विच गए। लंबी चौड़ी गाथा है, सरगी वेला सी गुरु नानक पातशाह जी नूं गुरु नानक पातशाह जी ने बड़ी खुदाई ते मंजी हुई सदा आवाज़ दित्ती भाई साहब भाई मरदाना जी नूं। मरदाने आ बाणी आई अरबाब वजाए काई सिफत खुदाए दी करिए, क्योंकि गुरु नानक पातशाह सराइकी भाषा बोलते सन, लहिंदी बोली। अज भी जिहड़े उन्हां दे शब्द ने उहदे विच्चों इह झलक पैंदी है। भाई साहब भाई मरदाना जी डाढ़े ताबेदार सन, पुश्तैनी कीर्तनी सन, रबाबी सन, संगीतकार सन। गुरु नानक पातशाह जी की आवाज़ सुनदिया ही उन्होंने हुक्म की तामील करते, रबाब दियाँ तरबा से उन्होंने कलात्मक उंगलां जा चले जाते। गुरु नानक पातशाह वक्त का राग अलाए अलाप के अलंकार दे विच उसनू गायन करदे होया समय मुताबक शुरू कर दे। तो कहिंदे ने इतनी खुदाई मंजी हुई लिशकी ते रियाजी आवाज़ सी, समां रुक जांदा, पंछियों की चहचहाट खामोशियों से बदल जाती, बनस्पति की सरसराहट शांत हो जाती, तमाम चार चुफेरे एकाग्रता हो जाती। ऐसे ही वक्त बगदाद दियां जूहां च कोई चरवाहा सी, उसने सुनिया कि कौन बेगानी आवाज़ में कोई गायन कर रहा है, इस्लाम में संगीत आराम है। वह दौड़िया गया जाके दस्तगीर फकीर नूं शिकायत लाई। शरा दे सड़े पुजे लोग दौड़े आए कि कौन है इस्लाम की धरती नूं नापाक कर रहा है। उस वक्त जो वार्तालाप हुई है दस्तगीर फकीर नाल गुरु नानक पातशाह जी की, उसका नज़ारा तुहाडे सामने है। किवें उस वक्त डेजर्ट सहारे दे विच गुरु नानक पातशाह बैठ के गायन कर रहे सन, किंज वार्तालाप हुई ते किंज दस्तगीर फकीर इतना मुतासर होया कि अपने नाल लगे बगदाद विखे और 6 महीने तक उत्थे उन्हां नूं गुरु नानक पातशाह जी नूं नानक पीर करके बिठा के रखिया ते उन्हां दी खिदमत कीती, सेवा कीती। ये शब्द आप जी दी मतलब सुन मुन नगरी पई देख पीर पया हैरान, सुन मुन नगरी पई देख पीर पया हैरान, सुन
फिर बाबा गया बगदाद नो, फिर बाबा गया बगदाद नो, बाहर जाए किया सुथारा, बाहर जाए किया सुथारा, एक बाबा दस्तगीर पूछे फिर के
ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਹੁਕਮੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਏ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧੇਰਾ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਜੀ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧੇਰਾ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਮਿਟਿਆ ਸਰਬ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ਸਰਬ ਮਨੋ
चढ़िया
चंद लम्हे बाकी ने थोड़ा समा है, एक शब्द आप जी दी नजरे आप जी ने हुक्म किया, खास करके मेरी सत्कारत भैणा ने। सो आओ ये शब्द आप जी सुन करोगे, सारे कट्ठे होके इसनु गायन करिए। साहिबां दी हजूरी विच सज बैठे हैं, जिन्हें भी संगत बार इधर उधर ने सारिया सज जावन, पंडाल की शोभा वधे, क्योंकि विच संगत हर प्रभ वसै जी। सारे असी हाजरियां लवाउण आए हैं, आसीस लवाउण आए हैं। आओ ये शब्द आप जी की नज़र है, जितना समा बाकी है उसके मुताबक शब्द की समाप्ति कर देनी है। आप जी इंजे एकाग्रता बख्शो, सहयोग दो जी। थोड़ा हुक्म है जी। बभीहा अमृत वेले बोलिया, बभीहा अमृत वेले बोलिया, बभीहा अमृत वे अमृत में रहे।
ਮਨ ਕਹਿ ਸਵੇ ਪੁਕਾਰੇ
ਸਹਿਜ ਬੋਜ ਸਹਿਜ ਬੋਜ ਸਹਿਜ ਬੋਜ ਸਹਿਜ 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 ਬੋਜ ਸਹਿਜ ਬੋਜ ਸਹਿਜ ਬਾਬੀਆ ਤੂੰ ਸਹਿਜ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਏ ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਦਿਖਾਏ ਬਭੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਦੀ ਅਣਗਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਖਾਕਸਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯਕੀਨਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਡਾਢੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਸਕੂਰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸੱਜ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਅਦਬ ਖਲੂਸ ਅਸੀਸ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਖਾਕਸਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਗਾਇਨ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਸਫਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਅਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ਣ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਾਬਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਉੱਦਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਜੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਮਾਣਦੇ ਹੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਅਟੁੱਟ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਸਦੀਵੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਇਤਨੀਆਂ ਸਰੋਤੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਤਮਾਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਇੰਜ ਹੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਧਨੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰੇਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੇਤ ਵੀ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਬਿਆਨ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਗਲੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਭਰਾਂਗੇ
ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਰ ਕਰਦੇ ਕੂਕਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ।